हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के बारे में। कल के दिन 7 जुलाई के किस तरीके से निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज जिस तरीके से मार्केट में कारोबार हुआ, हमने बात की थी जब फ्राइडे के सेशन में जब मार्केट क्लोज हुआ, उसके बाद जब ऑप्शन चेन डेटा हमने एनालाइज किए थे इस हफ्ते के लिए, तो बात की थी कि एक अच्छी खासी तेजी हमको मार्केट में देखने को मिल सकती है और इस हफ्ते शायद 11,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जिस तरीके की अभी पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, हो सकता है इस हफ्ते की एक्सपायरी में आपको 11,000 तक के लेवल देखने को मिल जाए। जिस तरीके से आज का सेशन था, एक जबरदस्त गैप अप ओपनिंग हमको देखने को मिली आज के ट्रेडिंग सेशन में। 10,600 के ऊपर जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी उसके मुकाबले 10,723.85 के लेवल पे ओपनिंग होती हुई दिखाई दी। आज के दिन का जो लोएस्ट लेवल था 10,695 का था और हाईएस्ट लेवल की अगर बात करें तो 10,811। तो दिन भर अगर हम बात करते हैं तो 120 पॉइंट की लगभग रेंज में मार्केट घूमता रहा और फाइनली जो क्लोजिंग हुई 156 पॉइंट ऊपर 10,763 के लेवल पे। हालांकि 10,800 के लेवल को हमने 1:30 बजे के आसपास यहाँ पे पार कर लिया था, लेकिन उसके बाद एक थोड़ी सेकेंड हाफ में हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और फाइनली जो क्लोजिंग हुई 10,750 के ऊपर देखने को मिली। अदर इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स में लगभग 2% के आसपास तक का उछाल था, 2.5-3% से ज़्यादा का उछाल ऑटो इंडेक्स में देखने को और मिला और बैंक निफ्टी भी 22,000 के ऊपर जाके बंद हुआ। 346 अंक की तेजी, लगभग 1.6% की तेजी, लेकिन बैंकों में HDFC बैंक के जो एडवांसेस और 7,000 डिपॉजिट के जो नंबर देखने को मिले उसके बाद वहाँ पर 3.5% तक की तेजी होती हुई दिखाई दी। M&M जो था आज के स्टॉक में अगर बात करें गेनर्स में तो अच्छा खासा गेनर्स बनता हुआ दिखाई दिया, 7-7.5% की अच्छी खासी तेजी यहाँ रही। बजाज फाइनेंस में 6.5% का उछाल और 3100 के पास जाके स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। हिंडाल्को में तेजी जो थी वो लगभग 5.67% की, टाटा मोटर 5.5% के आसपास उछलता हुआ दिखाई दिया और रिलायंस में 4.25% की बड़ी तेजी रही। 1850 का लेवल पार किया, 12.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस स्टॉक ने पार कर लिया है, तो अच्छा खासा सपोर्ट जो है निफ्टी को आता हुआ दिखाई दिया। उसके सिवा अगर बात करें कुछ गेनर्स के सामने लूजर्स की, तो बजाज ऑटो में यहाँ पे 1% तक की गिरावट थी, 1% गिरावट गेल में देखने को मिली। भारतीय एयरटेल में लगभग 0.95% गिरावट थी, विप्रो 0.8% टूटा और डॉक्टर रेड्डी में यहाँ पे थोड़ी गिरावट देखने को मिली। आज के ट्रेडिंग सेशन में IT और खासकर बैंकिंग स्टॉक्स से थोड़ा सहारा मिला, ऑटो स्टॉक से मिला और वहीं डिफेंसिव स्टॉक जो थे वो थोड़े यहाँ पे कमजोर देखने को मिले, खासकर फार्मा सेक्टर में आपको जो तेज गिरावट देखने को मिली थोड़ी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कल के लिए निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा किस तरीके से बन रहा है और किस तरीके की रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है, सबसे पहले अगर नजर डालें 10,600 पे जो कि हमारा पिछला क्लोजिंग लेवल था, तो आज देखेंगे आप 10,600 पे परसों के दिन जबरदस्त कॉल राइटिंग देखने को मिली थी और आज के दिन 12,56,000 शेयरों की अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। यहाँ से 12,00,000-12,50,000 शेयर जो है वो यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं 10,700 की मैं आपसे बात कर लूँ तो 10,700 के कॉल से भी 5 लाख शेयर से ज़्यादा निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और फाइनली जो ओपन एडिशन देखने को मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट का वो हो रहा है 10,800 के कॉल पे, जहाँ पे 9,26,000 शेयर आज के दिन जुड़ते हुए दिखाई दे और 28,44,000 शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट आपको 10,800 के कॉल पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक थोड़ा ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट है। 10,900 के कॉल पे भी ठीक ठाक राइटिंग होती हुई दिखाई दी है, तकरीबन 4,97,000 शेयरों की, लेकिन उतनी बड़ी राइटिंग नहीं है जितनी की उम्मीद की जा रही थी। 20 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट यहाँ है और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट अगर हम बात करें इस हफ्ते के लिए 11,000 के कॉल पे देखने को मिलेगा, 30,98,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 3.25 लाख शेयर जो है आज के दिन 11,000 कॉल पे जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार अंदर के कॉल में जो है अनवाइंडिंग देखने को, ये साफ संकेत दे रही है कि जो मोमेंटम है बुलिश और जितने भी कॉल राइटर है जहां पे भी कॉल शॉर्ट कर रहे हैं वो वहां पे ट्रैप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ठीक वही हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो पुट राइटिंग का जो सिलसिला है वो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10,800 के नीचे हम अभी बंद होते हुए दिखाई दे, लेकिन 10,800 में आप देखिए 9 लाख शेयर लगभग आज पुट राइटिंग होती हुई दिखाई दी है, नए एडिशन देखने को मिल रहे हैं। 9,45,000 शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे टोटल फ्रेश पोजीशन जो है वो आज के दिन बनती हुई दिखाई दी है। वहीं 10,700 के पुट पे 19,08,000 शेयर नए जुड़ते हुए दिखाई दे और टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है 21,58,000 शेयरों का है, तो यहाँ पे भी एक जबरदस्त एडिशन देखने को मिला है 10,700 के पुट पे, जो कि एक स्ट्रांग बेस का काम करेगा। और 10,600 जिसको हमने डिसाइसिवली पार किया गैप अप के साथ आज के दिन में,
लगभग 18,90,000 शेयर, यानी कि 19 लाख राउंड फिगर माने तो 19 लाख शेयरों की नई पोजीशन यहां पे जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, और 30,42,000 शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है 10,600 के पुट पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब ये निफ्टी के लिए एक अच्छा खासा बेस होगा। अब मार्केट जैसे ही 10,600 तोड़ेगा तब जाके नीचे की संभावना बनती हुई दिखाई देगी। 10,600 के जब तक हम ऊपर हैं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है ऊपर की तरफ बना हुआ दिखाई दे सकता है। 10,500 के पुट की अगर यहाँ पे हम बात करें तो 10,500 में भी 10 लाख शेयर जो है वो जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और 29,83,000 शेयरों का लगभग ओपन इंटरेस्ट यहाँ बना हुआ है। तो आज के दिन में अगर हम बात करते हैं तो 20, 10, 30 और 20, 50, 60 लाख शेयर जो है टोटल इन चार स्ट्राइक प्राइस में आपको देखने को मिलेंगे। 10,500 से 10,800 के बीच तकरीबन 60 लाख नए शेयर जो है पुट राइटिंग में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये साफ दर्शा रहे हैं कि कितनी जबरदस्त जो है पुट राइटर्स जो है उनका कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि कितने कॉन्फिडेंस है वो। मान के चल रहे कि यहाँ से मार्केट 50-100 पॉइंट भी ज़्यादा से ज़्यादा गिर नहीं सकता, और एक बड़ी तेजी की जो मूवमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो निफ्टी की जो इस हफ्ते की रेंज निकल के आएगी जिसकी हम बात कर रहे थे वो पॉजिटिव साइड में और ऊपर होती हुई जा रही है, और अब कहीं ना कहीं ये जो रेंज है 10,500 से 11,000 के बीच होती हुई जाएगी। मार्केट अभी हर नेगेटिव न्यूज़ को यहाँ पे नज़रअंदाज कर रहा है और हर पॉजिटिव न्यूज़ पे यहाँ पे रिएक्शन देता हुआ दिखाई दे रहा है, और खासकर जो निफ्टी के दिग्गज स्टॉक्स है अब वहाँ पे कहीं ना कहीं रैली बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसका सीधा सीधा जो सपोर्ट है वो आपको यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिल रहा है, और निफ्टी में गिरावट उसके कारण हो नहीं पा रही है और निफ्टी लगातार अपने हाईएस्ट लेवल के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। अब 11,000 जो अब निफ्टी के लिए अगला टारगेट होगा वो देखने वाला होगा कि क्या इस एक्सपायरी तक हम 11,000 आते हैं। एक आध दिन दो दिन के अगर कंसोलिडेशन होता है थोड़ा यहाँ पे तो अलग बात है, लेकिन एक्सपायरी तक डेफिनेटली शायद हमको लग रहा है कि 11,000 तक के लेवल आसानी से देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद अगले हफ्ते से जिस तरीके से कंपनियों के रिजल्ट आने चालू जाएंगे Q1 के, तो वो भी फिर आगे की दशा और दिशा तय करता हुआ दिखाई देगा कि निफ्टी किस साइड जाता हुआ दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि बैंक निफ्टी में नज़र रखनी होगी कि बैंक निफ्टी आगे किस तरीके से काम करता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।